अगर उसका 3 रुपये भाव रख दिया ना उसने, तो वो तो अभी उठ जाएगा। और जो जो कोक ब्रांड है, जो महंगा वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने उठना नहीं 1 साल भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल में। आज हम लोग एक प्राइस को इवेलुएट करने वाले हैं, जो कि सेक्टर 79 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। लोग बोल रहे हैं कि सर आप कॉल मोल बात करते हो, आप प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेते हो, बट जो मार्केट को रिलेट करते हैं अब तो वो समझ ही जाएंगे सेक्टर का नाम लेने से न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रेट, उस हिसाब से रेट नहीं आ पाया। तो रेट क्यों बढ़ के निकला है, क्यों बढ़ा है रेट, किस लिए वो रेट रखा गया है, क्या आप लोगों ने किसी ने भी जानने की कोशिश की? सब लोग बोल रहे हैं भैया मत खरीदो, ये करो वो करो। मैं कह रहा हूँ खरीदो मत खरीदो, वो आपकी चॉइस है, मैं बेचने नहीं बैठा हूँ उस प्रोजेक्ट को। बट आज हम उसके रेट की वैल्यूएशन की बात करेंगे, क्या क्यों बढ़ा है। जब मैंने बहुत सोचा, बहुत उसको बारीकी से स्टडी किया, तो मुझे कुछ चीज़ें इसमें समझ आई, तो उस हिसाब से मैं आपको कनेक्ट करने की, और बातें जो बोलते हैं ना कि भाई अगर पीछे मुड़ो तो डॉट्स कनेक्ट होती है, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा और आपके सामने अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जिसको समझ आए वो कर सकता है, जा सकता है, जिसको समझ ना आए वो नहीं जा सकता। ये आप लोगों के पर्सनल इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। आप लोग जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, ड्यू डिलीजेंस करके ही खरीदें। तो एक इजी एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। अभी दिवाली गई है तो उसी से एक एग्जांपल लेता हूँ, सुनना अच्छी तरह। 2 मिनट का एग्जांपल दूंगा, सिर्फ ये सुन लेना, आपको रेट समझ आ जाएगा जो समझदार आदमी होगा। जो नहीं समझना चाहता उसके लिए चीज़ें अलग हो सकती हैं मेरे हिसाब से। अगर एक प्रोडक्ट है, एक बिल्डर है कोई भी बाजार में, आप ये इससे मान के चल लो कहीं पर भाई बड़ वो दिवाली का मेला लगा है, ठीक है, सिर्फ 4 दुकानें हैं मेले में, ठीक है, 4 दुकानें हैं पटाखों की, 4 में से 2 दुकानें अलग बंदे ने खोल रखे हैं और 2 दुकानें एक ही आदमी की हैं, ठीक है। उसके पास एक तो कोक ब्रांड के पटाखे रखे हुए हैं बड़े बड़े, एक रखे हुए हैं सिंपल, ठीक है। तो उसका कोक ब्रांड कब बिकेगा? उसका कोक ब्रांड तो जब ही बिकेगा जब वो उससे दूसरे से प्राइस इवेलुएट करेगा। अगर उसने अपने जो सिंपल है, उसके पास प्रोडक्ट है, अगर उसके पास सिंपल जो नॉन ब्रांडेड पटाखे हैं उसका भाव तो रख दिया उसने 3 रुपये, ठीक है, एक वो मुर्गा छाप जो हम छोड़ते थे बचपन में उड़ा उड़ा के, आज भी बच्चे चलाते हैं जो एक पैकेट से आता है, और कोक ब्रांड का रख दिया 10 रुपये का, तो 3 वाला तो सारा माल उठ जाएगा, ठीक है। उसको दिवाली खत्म होने से पहले पहले बेचनी है दोनों दुकानें, समझना इस बात को, उसको दिवाली खत्म होने से पहले बेचनी है दोनों दुकानों का सामान। अगर उसका 3 रुपये भाव रख दिया ना उसने, तो वो तो अभी उठ जाएगा। और जो जो कोक ब्रांड है, जो महंगा वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने उठना नहीं 1 साल भी। तो इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा जो 10 रुपये वाला है ना वो तो 10 में ही बेचेगा, और जो लोकल वाला है उसने उसका भाव रख दिया 8 रुपये। जब आदमी ये देखेगा भाई ये तो 8 रुपये का है यार, इससे बढ़िया तो मैं 10 वाला खरीद लूँ। दुकानें टोटल 4 है, वो दो तो बिकने ही बिकने हैं, ठीक है। अब जैसे बाजार चलेगा, ये 79 वाला तो लोकल है और वो वाला आप समझ लेना कहाँ पे है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। मैक्सिमम इन्वेंट्री आ रही है 3,000 के करीब, वहाँ पे फ्लैट आ रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे भी उसी बिल्डर के, यहाँ पे भी ये है। अगर इसका रेट यहाँ पे रख दिया ये माल खत्म हो जाएगा, उसकी रैली चलेगी नहीं। अगर इसका प्राइस कॉम्पिटिटिव रखेगा, अगर ये बेचेगा 5 रुपये में, तो जो ये 7 रुपये वाला है ना, ये 7 वाला पहले बिकेगा 5 वाले से। ये समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों बहनों, अगर इसने इसका भाव 3 रख दिया तो ये उठ जाएगा, बाजार में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ऑल इंक्लूसिव रेट देख लोगे वहाँ का भी यहाँ का भी, तो जब आदमी ये सोचता है ना कि मेरे को 20 लाख रुपये यहाँ पे कम मिल रहा है, तो ये सोचता है कि यार ऐसा करता हूँ 20 लाख रुपये और बढ़ा के मैं वहीं ले लूँगा दिल्ली के बॉर्डर के आसपास ही कहीं पे, मेरे को यहाँ आने की 79 आने की ज़रूरत है। तो सामान बेचने का भी तरीका है, एनालाइज मार्केट को ये बोल के सर रेट बहुत बेकार निकला है, सर रेट तो नहीं बिकेगा, या रेट मत लो आप। भैया आप, हम लोग आप लोगों को प्राइस इवेल्युएट करके बताने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे बैठे, हमें बताना पड़ेगा क्या क्यों निकला है, क्यों नहीं निकला है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा इस चीज़ से। एक और इजी बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, पर उससे पहले सब्सक्राइब का बटन है जो आप जिसने अब तक नहीं दबाया वो दबा सकता है। होपफुली ऐसा जो क्लियर कट बात है मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पर कोई कर नहीं रहा है, फिर भी आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं और लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। दूसरी चीज़ फिर बोलते हैं सर प्राइस, अब चलो एक तो ये पॉइंट हो गया, प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ है ज़्यादा? तो लोग बोल रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन है, माई वन स्ट्रक्चर के साथ है, क्लब है, फलाना चीज़ है, ढिमकाना चीज़ है, सारी चीज़ें कुछ भी आप कुछ भी देख लेना ठीक है। अभी आपको पता है स्मार्ट वर्ल्ड ने 300 करोड़ की फंडिंग रेज करी मोतीलाल ओसवाल से, तो आप लोग बिल्कुल चाहे तो बारीकी से नज़र बनाओ मार्केट में, जो बारीकी से नज़र नहीं बना रहा वो इस चैनल पे नज़र बनाओ तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरा यही कहना था आज के दिन पे, क्या बिल्कुल इवेल्युएट करके प्राइस जब लेना है, ना ही प्रोडक्ट कोई महंगा है ना ही प्रोडक्ट कोई सस्ता है। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को अच्छी तरह मैं समझा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, धन्यवाद।